नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अब चुनावी बयार एक तरह से बहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में संगठन बनने की आहट मिलने के बाद एक विधायकों की बैठक होने रही है और आपको बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल खुद उसमें नब्ज टटोलने जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस में कहा जाता है कई गुट हैं और सबको एक मंच पर लाना चुनौती रहता है, यानी एक एक्सरसाइज जो है कांग्रेस में वो चल रही है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से सभी 10 लोकसभा सीटों पर रैली करने का कार्यक्रम बन रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो दोनों हरियाणा आने वाले हैं, एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से जो यात्रा है वो लगातार जारी है, यानी अपनी अपनी तैयारियां हर कोई कर रहा है और ये तैयारियां, ये माहौल बता रहा है कि हरियाणा में चुनावी मूड अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अब कुछ महीने का ही वक्त रह गया है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गई है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के वोटों को साधने में लग गई है। एक ओर सत्ता पर काबिज बीजेपी प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्र में रैलियां करने जा रही है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी लगातार बैठक कर रही है। दोनों ही पार्टियां आगामी चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रही है। वहीं एक तरफ प्रदेश के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला प्रदेश में लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में पदार्पण कर रही आम आदमी पार्टी ने भी संगठन बनाकर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान प्रदेश में हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान तैयार है। राजनीतिक पहलवानों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, बस इंतजार है तो राजनीतिक दंगल के बिगुल बजने का। आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। देखना ये है कि इस सियासी अखाड़े में बाजी कौन मारेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेडू इंडियन नेशनल लोकदल और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। बजरंग दास जी, मैं आज शुरुआत आपसे करता हूं कि ये तो चलिए एक बात है कि विधायकों की नब्ज टटोली जा रही है, दिल्ली से संकेत मिल गए हैं कि आपका संगठन बनने जा रहा है। ये संकेत जरूर मिल रहे हैं, नब्ज टटोली जा रही है, संगठन बनेगा कब? तैयारियों के लिहाज से आप लोग कहां हैं अभी? देखिए गोयल साहब, जहां तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। कि आज चुनाव करा लो, आज भी बिल्कुल 100% हमारी फौज मैदान के अंदर है। यहां तक कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जा रहा है। हमारे अभियान दो चल रहे हैं, एक तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, दूसरा विपक्ष आपके दरबार कार्यक्रम चल रहा है, तीसरा हमारा जन जागरण अभियान, वो घर घर जनता से संपर्क करने का वो अलग चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का हरेक नेता, हरेक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और सरकार से, जो भाजपा की केंद्र की सरकार है या हरियाणा की सरकार है, गोयल साहब दोनों सरकार से कौन से गुट का जा रहा है, ये भी तो सवाल है ना सर। सारे गुट एक है, कोई हमारे गुटबंदी देखोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अरविंद जो शर्मा है क्या बोलता है, वो खट्टर साहब ने लंबा राज कर लिया, ये मुझको हटना चाहिए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना, गुट की कार्यकारी अध्यक्ष हमारे चैनल पे बोलते हैं ना। नहीं, आपके चैनल पे वो भी बोल रहे हैं, अरविंद शर्मा भी आपके सामने बोल रहे हैं, यहाँ राव इंद्रजीत भी बोल रहे हैं भी हील बेल्ट के अंदर हम ज्यादा जीत के आए हैं, हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो भी बोल रहे हैं, शर्मा जी भी बोल रहे हैं हील बेल्ट से, सारे भारतीय जनता। अच्छा, मुझे ये बताइए संगठन कब तक बन रहा है आपका? संगठन हमारा कंप्लीट है, सिर्फ ओनली जिला प्रधान ब्लॉक प्रधान की लिस्ट आनी है। हमारे प्रदेश के डेलीगेट बन चुके, प्रदेश के पदाधिकारी बन चुके, हमारे युवा का संगठन कंप्लीट हो चुका, महिला का संगठन कंप्लीट हो चुका, जितने भी हमारे सेल है
स्टेट के हर सेलों की टीम प्रदेशाध्यक्ष बन चुके। भारतीय जनता पार्टी का तो संगठन सिर्फ कागजों पे है, हमारा मैदान में है, हमारा ग्राउंड में है। ये पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, इनके पन्ने लोग पाड़ने के लिए तैयार बैठे, कब चुनाव हो कब इनके पन्ने पाड़ के हम मैदान में इनको आउट करें, इसके लिए बिल्कुल पूरी प्रदेश की जनता रेडी गोयल साहब बैठी है। ठीक है जी, प्रवीण अत्रे जी भाई, आप कागज पे हैं, वो मैदान में इससे बड़ा मजाक क्या होगा। मतलब एक पार्टी का प्रवक्ता, जिस पार्टी का संगठन कहीं आसपास भी नहीं है, जिसके किसी भी नेता के पास आपके इस सवाल का जवाब तक नहीं है कि संगठन कब बनेगा, पिछले लगभग 9 साल से सभी कांग्रेसी नेताओं का एक ही जवाब होता है कि बहुत जल्द संगठन बन जाएगा। 9 साल तो बीत गए हैं, आगे देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रवक्ता साहब ये कह रहे थे कि साहब चाहे आज चुनाव करवा लीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे है। भाई आपने चाहे आज करवा लो तब भी हारना है, और 2024 में करवाओगे तब भी हारना है। मुझे हैरानी तो तब होती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के ये बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के विवेक के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता की जो राजनीतिक सोच और विचार है उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। भाई हरियाणा की जनता को आप समझते क्या है? क्या हरियाणा की जनता ने कांग्रेस सरकार के दौरान किस तरह से बंदरबाट संसाधनों की हुई, किस तरह की लूट मची, किस तरह से किसानों की जमीनें छीनी गई, किस तरह से आम आदमी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए त्रस्त रहा, किस तरह से सरकार के योजनाओं का लाभ दिया जाता रहा। दीजिए भाई इनको कहिए मत बनाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस हरियाणा की जनता ने इस हरियाणा प्रदेश को लूटते देखा कांग्रेस सरकार के दौरान, क्या वो हरियाणा की जनता भूल गई? क्या वो उस भ्रष्टाचार को भूल गई? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो चार चार मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, उनको भूल गई? क्या प्रदेश का किसान भूल गया कि जब भी प्रदेश के किसान ने अपनी फसल खरीद का अगर मांग की तो उसकी फसल नहीं खरीदी गई? क्या प्रदेश का किसान भूल गया कि मुआवजे के नाम पे उससे 2-2 रुपए के और 5-5 रुपए के चेक दिखाए जाते थे? क्या प्रदेश का युवा भूल गया कि नौकरियों की बंदरबांट होती थी, जो योग्य युवा होते थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी, सत्ता के चहेते लोगों को नौकरी मिल? ये सब चीजें याद है हरियाणा की जनता को। तो चुनाव आज हो जाए 2024 में हो जाए, कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, ये मान के चलिए। लेकिन अब विषय ये आ जाता है कि ये अंतर जो मैं कह रहा हूं वो क्यों है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक ईमानदार नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, समर्पित कार्यकर्ता है, पारदर्शी कार्यशैली है, और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा विचार है राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और जिस तरह के काम हरियाणा में मनोहर जी की सरकार ने, आज का ही ले लीजिए, आज जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसानों को 181 करोड़ रुपए का मुआवजा, हरियाणा के इतिहास में वरुण जी पहली बार हुआ है कि किसान को इतनी तेजी से मुआवजे का पैसा उसके खाते में पहुंच गया। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मुआवजे के तौर पे दे चुके हैं। एक ये हमारे कांग्रेसी मित्र थे जिनके 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश के किसान को क्या मिला? क्या हरियाणा प्रदेश का किसान भूल गया कि 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात करते थे कांग्रेस वाले, आज 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है? क्या हरियाणा प्रदेश का आम बुजुर्ग भूल गया कि उनकी पेंशन के नाम पे किस तरह की लूट होती थी? क्या हरियाणा की जनता ये भूल गई कि 3,00,000? ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास, नहीं थे दूसरा राउंड में आता हूँ। ये सब याद है हरियाणा की जनता, एक ही बात आगे 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 और काम आएगा इसको। आप जो भ्रष्टाचार बजरंग लाल जी, किसानों का शोषण करने की कार्यशैली थी, उसका जवाब चुनाव अच्छा याद रखिए, कांग्रेस का कोई खाता नहीं है हरियाणा में। आप परेशान होते हैं, सरकार से इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जनता बोल रही है। रुकिए, एक एक करके बोलिए, चलिए बजरंग जी दो आंकड़ा नहीं आया। बजरंग जी रुकिए, दो और मेहमान उनको चर्चा में शामिल कर लूं मैं, रुक जाइए। जैसे इनको मुझे बताइए, मैंने कौन सी ऐसी बात है जो तथ्यों से परे कही है? क्या कांग्रेस के समय में किसानों की 70,000 एकड़ जमीन सीएलयू के नाम पे नहीं?
क्या कांग्रेस के समय के अंदर नौकरियों की ऐसे मत करिए भाई, दो और मेहमान बैठे हैं मेरे साथ, ऐसे मत करिए। और पहली बात तो ये, प्लीज ऐसे मत करिए, रुक जाइए। अच्छा रुकिए भाई, रुकिए, रुक जाइए भाई, रुकिए। अच्छा विजेंद्र रेड्डी जी, आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पार्टियों के प्रोग्राम में इंडियन नेशनल लोकदल का प्रोग्राम कितना इम्प्रेसिव या कितना इम्पैक्टफुल रहा है। विषय में कभी सत्ता में नहीं आएगी हरियाणा में कांग्रेस। देखिए वरुण जी, हरियाणा की जनता को समझा दो, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता आपस में भिड़ रहे हैं, ये इनकी ये बौखलाहट है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो परिवर्तन पदयात्रा चली हुई है उससे जहां कांग्रेस डर गई है वहीं भाजपा भी डर रही हुई है और प्रदेश में परिवर्तन का माहौल बनना शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभय सिंह की जन बहुत बड़ी बड़ी रैलियां के रूप में जनसभाएं हो रही है इस यात्रा के दौरान और लोग सभी दलों को छोड़ छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये साफ हो चुका है कि हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है और उस परिवर्तन में हरियाणा प्रदेश सिलेक्ट करने जा रहा है एक ऐसा नेता जो प्रबंधन में कुशल हो, एक ऐसा नेता जो ईमानदार हो, एक ऐसा नेता जो त्याग करने वाला हो और प्रशासन लचर प्रशासन को सुधारने की क्षमता रखता हो, वो नेता आज हरियाणा प्रदेश में यदि कोई है तो वो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला है। और प्रदेश ने मन बना लिया है कि वो अभय सिंह चौटाला को 24 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियां, ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें, कितनी जन विरोधी नीतियां, एक भी नीति प्रदेश में ऐसी लागू नहीं हुई है जो जन हितैषी हो। आज हमारे प्रदेश की महिलाएं न्याय के लिए लड़ रही हैं, न्याय के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है, सरपंच लाठियां खा रहे हैं, किसान भूख और प्यास से आंदोलनरत है और कौन सा ऐसा वर्ग है, कर्मचारी पंचकुला में पीटे जा रहे हैं। तो हर वर्ग दुखी है, महंगाई से दुखी है, ये प्रॉपर्टी आईडी फैमिली आईडी के माध्यम से जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, इसलिए जनता इस सरकार से तंग आ चुके है। दूसरी बात कांग्रेस की, आप अपनी 25 तारीख को भी आपने डिबेट की थी, उस दिन मैंने बड़े दावे के साथ कहा था, वो वीडियो आप सुन सकते हैं बजरंग दास जी, मैंने कहा था कि संगठन नहीं बनेगा और आप कह रहे थे कि दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं, एक दो दिन में संगठन बन करके आ जाएगा और मैंने ठोकर के कहा था कि नहीं बनेगा। मेरी एक जानकारी बढ़ा दूं ना, शक्ति सिंह गोहिल बकायदा नब्स्ट टोलने आया भाई, संगठन बनने जा रहा है। शक्ति सिंह गोहिल की शक्ति अपने प्रदेश में है, हरियाणा ने तो विवेक बंसल की शक्ति निकाल दी, हरियाणा ने तो किसी वेणुगोपाल की शक्ति निकाल दी, ये तो नई शक्ति गोहिल आई है कि कोई शक्ति का काम करने वाली नहीं है, ये हरियाणा के लोग हैं, ये हरियाणा की कांग्रेस है। दूसरी बात आप पार्टी के बारे में करो, आप पार्टी वाले क्या मुंह लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ये यहाँ पर जो है ना, जो फेवर की बात करते हैं पंजाब की और चाहते हैं हरियाणा के लोग वोट दें और फेवर ये पंजाब का करें, किस मुंह से भगवंत मान हरियाणा प्रदेश में लोगों के बीच में जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता काले झंडे दिखाएगी और उनका स्वागत नहीं करेगी, उनको काले झंडे से स्वागत होगा। जो हरियाणा प्रदेश को अपमानित करता हो, जो हरियाणा प्रदेश को कहता हो कि एक बूंद पानी नहीं दूंगा, जो हरियाणा प्रदेश को कहता हो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों को एडमिशन नहीं लेने दूंगा, जो हरियाणा प्रदेश के छात्रों के साथ अन्याय करता, जवाब ले रहा हूं, जो कहता कि चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन भी नहीं लेने दूंगा, अलग से चंडीगढ़ में विधानसभा हाउस नहीं बनाने दूंगा, वो हरियाणा प्रदेश में आकर के वोट बढ़ाने का काम करेगा या घटाने का काम करेगा। नरेश शर्मा जी, तो आप पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, आप पार्टी पूर्ण रूप से जो है ना हरियाणा। अच्छा, की नरेश शर्मा जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं जरा कनेक्ट करवाता हूँ। भगवंत मान को मत बुलाना, भगवंत मान जितना घूमेगा उतना आपको नुकसान करने का काम करेगा, वो हरियाणा विरोधी है। नेता है बजरंग दास जी, कुछ कहना चाह रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, दोबारा आता हूँ आपके पास। जी बजरंग दास जी बोलिए, पूछो शक्ति सिंह गोहिल कौन कौन विधायकों से मिला, ये पूछिए वरुण जी कौन कौन से विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हमारे भाजपा के सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने किसानों के हित में बड़ा अच्छा काम किया, किसानों का
हमने ये करा कमेसा आज 181 करोड़ रुपए के मुआवजे गए हैं खातों में। मेरे भाई आज ही गए 181 करोड़ रुपए। अच्छा बोलो जी, बोल ले, सुन ले, सुन ले मेरे साथी। मैं तो बता रहा हूं जी, अगर आज ही 181 करोड़ रुपए किसान के इतने बढ़िया काम किया होता तो सूरजमुखी बेचने के लिए किसान के लिए बढ़िया काम किया था, खाने का भी करना पड़ता, तभी तो आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। दिन से किसान उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, सूरजमुखी की तभी तो बड़ौदा में आईएनटी की जमानत, जब पूरी जो लगातार किसान कैसी होने का ढोंग करते हैं, किसानों के लिए अच्छे काम किए। अच्छा रुकिए 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 भाई, मैं नरेश भाई की बात रह गई थी, फिर गई है, बताओ ना, सुनो ये किसान भाइयों ने वोट के जरिए बताया भाई, दोनों चीन में आपकी जमानत जब तू बड़ौदा में जीती ना कांग्रेस, बड़ौदा में जीती कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। अरे प्रवीण जी रुकिए भाई, प्रवीण जी रुकिए एक मिनट भाई, बोलने तो दीजिए ने, किसान भाइयों ने भरपूर वोट दिया, लाठी चार्ज की जिस तरह का वोट मिला किसान। अच्छा रुकिए एक मिनट, रुक जाइए, ऐसे मत लगिए भाई, हमारे कामों की पहचान की भारतीय जनता पार्टी किसान भाई। बोलिए प्रवीण भाई रुकिए, बजेदार जी कंप्लीट करने दीजिए, मेरे लिए मुश्किल होता है यहाँ से हैंडल करना, एक बार उन्हें बोलने दीजिए, फिर नरेश भाई के पास भी जाना है, बजेदार जी कंप्लीट करिए। देखिए जहाँ किसानों की बात कही, इनके राज के अंदर किसानों पर सैकड़ों किसानों पर मुकदमे जेलों में डाल ले, यहाँ तक इनके राज के अंदर साढ़े 700 किसान शहीद हो गए, यहाँ तक आज देखिए हमें बड़ौदा में पहले से ज्यादा वोट दिए करेंगे, हमें एहलाबाद के की बात से ज्यादा वोट दिया, आपकी जमानत जब्त हुई की बात निकलेंगे, किसान भाइयों का मेहनत नहीं था तो क्या करेंगे, ये भाई को भाई से तोड़ने की बात करेंगे, ये मुद्दे भाई बात नहीं करेंगे, समझनी है क्या वजह हुई कि आपकी एहलाबाद में जमानत जब्त हुई, आपके मुख्यमंत्री क्या वजह थी कि गांवों में। अच्छा दोनों रुक जाइए भाई, एक बार नरेश के पास चलने दीजिए, वो एक बार भी चर्चा में बोल नहीं पाए भाई, रुक जाइए रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए बजरंगदास जी रुकिए, बजरंगदास जी रुकिए, मैंने तो शुरुआत ही आपसे करी आज डिबेट में सर, सारा टाइम ही आपको दिया शुरू में, कांग्रेस के माथे पे लिखा हुआ है, रुक जाइए भाई। नरेश शर्मा अभी विजेंद्र रेणु जी कह रहे थे कि आप हरियाणा में भगवंत मान को बुला रहे हैं, आपको नुकसान होगा, केवल आपको इस बात की चिंता करनी है कि आपकी जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, इस बात की चिंता करनी। पहली बात तो कल से हमारा जो है सदस्य अभियान के बाद में हमारा जो है अब शपथ समारोह है कल से करनाल के अंदर, और उसके बाद में 8 तारीख को केजरीवाल जी हरियाणा की धरती पे आ रहे हैं भगवंत मान जी के साथ में, फिर 11 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर विपक्ष के सभी लोग रहेंगे। तो सबसे पहले जो जनता, अभी आपने देखा कि ये तो आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्या बीजेपी दिल्ली के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता फ्री की बिजली ले रहे हैं, फ्री का पानी ले रहे हैं? हमने बोला था कि आप एक कि अपने मन से अगर चाहें तो आप छोड़ सकते हैं मतलब सब्सिडी को, लेकिन ये फिर भी उसको यूज करते हैं और फिर उसी के लिए कहते हैं कि आप फ्री की सब सब, सब चीजें बांटते हैं। ऐसे पंजाब के अंदर भी जहां ये खुद इनके कार्यकर्ता क्या इनके नेता भी वो फ्री की चीजें यूज कर रहे हैं, जो हम ये कहते हैं ना कि फ्री में बांटते रहते हैं पार्टी। और हमारा ये अभियान जो है ना, हम जनता के लिए सुखों के लिए देखो जनता की आवाजें उठा रहे हैं। हरियाणा के अंदर देखा आपने, विजेंद्र भाई कह रहे हैं कि कोई वजूद नहीं है और भगवंत मान से क्या नुकसान होगा, भगवंत मान से कोई नुकसान नहीं है, पंजाब के अंदर जो है भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा की हरियाणा का बड़ा एडमिशन देने से मना किया कि नहीं किया, पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है जिसके अंदर आपने खुद देखा कि बड़े भाई को अगर हरियाणा के भाई बुला रहा है के लिए तो छोटे भाई को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे आने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जो कह रहे हो कि वो भगवंत मान जी नुकसान, क्या बड़े भाई से आपको डर है इतना कि नुकसान के लिए कह रहे हो आप? आप हरियाणा जो है पंजाब के अंदर से रोल नहीं निभा रहे, वो तो दुश्मनी दिखा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के साथ, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कॉलेजों को एफिलिएट नहीं होने देंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं लेने देंगे, हरियाणा को नई विधानसभा बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे, हरियाणा को SYL का पानी नहीं देंगे, ऐसी कौन सी एक भी बात बताइए आप मुझे शर्मा जी, जो वो हरियाणा के हितों के खिलाफ ना बोलते हो और उसके उसके बदले में हरियाणा के किसी भी आपके वर्कर ने कोई आवाज उठाई हो, कोई विरोध किया हो, अरे यहां तक कि विद्यार्थियों के ऊपर भी उन्होंने घास गिराने का काम किया और कहा कि हरियाणा के विद्यार्थी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, ये कहा है उन्होंने, और ये कहा कि हरियाणा विधानसभा अलग नहीं बनाने देंगे, ये रिकॉर्ड में है, डिबेट में है और ये अखबारों में छुपे हुए।
वीरेंद्र भाई अब आप सुन लीजिए, आपने बोला कि कॉलेज में एडमिशन के लिए, पहली बात तो हमारे सेंटर से पॉलिसी ऐसी बन चुकी है कि कोई भी बच्चा अपने पढ़ाई के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे और अपनी रैंक के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है, उसके अंदर कोई नहीं रोक सकता। तो जिसके अंदर काफी जानकारी नहीं है, इसलिए कर रहे हो उसके बाद ठीक है, ज्ञान नहीं इस बात का कि सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस है, ऐसी दो तीन राजनीति के बयान देते हैं, ऑब्जेक्शन उठाए और किसी को मना कर रहे हैं। जो भी हरियाणा के लोग हैं उनके लिए हमने कभी भी बयान देते हैं, वो किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, और जो भी समझौते हैं हम बैठ के तैयार हैं, जो भी अगर किसी चीज के लिए हमने कभी मना नहीं किया है। भगवंत मान जी, केजरीवाल जी खुद हरियाणा की धरती पे आ रहे हैं और उसके लिए हम काम करेंगे, हम जनता के बीच आवाज उठा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि नहीं आवाज उठा रहे, हरियाणा की आवाज उठा रहे। ठीक है भाई, प्रवीण अत्रे जी मुझे ये बताइए कि आप भी कह रहे हैं कि भाई 10 लोकसभा में आपकी रैलियां होने जा रही हैं क्योंकि चुनाव लोकसभा का नजदीक है, लेकिन 24 का चुनाव टफ चुनाव है आपको लगता है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं वरुण जी, कतई टफ चुनाव नहीं है। मैंने जैसा कि पहले कहा है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और देश में मोदी जी लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब आपके सामने होगा। उसकी कारण है, देखिए एक तो हमारे विरोधी दल राजनीतिक पाखंड एक शब्द होता है, वो हमारे विरोधियों से सीखे, खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी है, जिस तरह का राजनीतिक पाखंड कांग्रेस करने का प्रयास कर रही थी उसके नतीजे कांग्रेस ने, हालांकि हरियाणा में जब भी कोई चुनाव हुआ है, चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ है, चाहे निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा उपचुनाव, जितने चुनाव हुए हैं हर चुनाव में कांग्रेस ने मुंह की खाई, उनके राजनीतिक पाखंड को हरियाणा की जनता ने पहचाना। दूसरा, जितने राजनीतिक दल है सभी के सभी परिवार मतलब कांग्रेस के मित्रों के लिए परिवार की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है, उनके लिए परिवार इंपॉर्टेंट है, ना उनके लिए देश कहीं पे है, ना ही देश का सम्मान उनके लिए कोई महत्व रखता है। दूसरा, चाहे हरियाणा में बात करें, दूसरा से हरियाणा में जात पात की राजनीति, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार का फोन पता था। अरे ओके, बजरंगी आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आप ही का नंबर है बजरंगी। हरियाणा जिन चीजों के लिए बदनाम था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, व्यवस्था को खत्म किया, आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हरियाणा का गरीब, शोषित, वंचित समाज आज प्रसन्न है, इस सरकार के कामों से खुश है, और ये बात हरियाणा की जनता हर बार अपनी वोट के जरिए बताती है। कांग्रेस के लोग तो केवल इसलिए बिल मिला रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, कांग्रेस की राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है, और कांग्रेस को हुड्डा परिवार ने अपनी जेबी कांग्रेस बना लिया। आज केवल कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस, शैलजा जी की कांग्रेस, किरण चौधरी की कांग्रेस, इस तरह के धड़ों में बटी हुई है, तो कांग्रेस लगभग खत्म होने वाली है, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि 2024 चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं बचेगी, ये मेरा मानना है, खत्म हो जाएगी कांग्रेस वरुण भाई, और जितना मर्जी बिल बनाए इनके बिल बुलाने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश की जनता इनकी बिल बुलाहट। अच्छा देखिए, मैं थोड़े इंटरेस्टिंग सी बात जानना चाह रहा हूँ, इसलिए परेशान हूँ। बजरंग दास जी देखिए, इस बार जो बैठक हो रही है वो आपके ऑफिस में हो रही है, आमतौर पर बैठक किसी के आवास पर होती थी, इस बार ऑफिस में हो रही है। दूसरा ये कि जो 4 तारीख का सुनने में आ रहा है कि जो कबीर जयंती पे कार्यक्रम है उसमें सभी एक मंच पर होंगे, ऐसा एक प्रयास किया जा रहा है जो खबर सुनने में आ रही है 4 तारीख के लिए, तो ये माना जाए कि अब एक व्यक्ति विशेष का वर्चस्व नहीं रहेगा, मतभेद खत्म करने होंगे, ऐसी शर्त हाई कमांड से रख दी गई है। बोलिए इनसे ये कहलवा दीजिए कि हुड्डा साहब का वर्चस्व नहीं रहेगा, इनसे ये कहलवा दीजिए, एक झूठ है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये हरियाणा का झूठ है, वो तो सुरेश गुप्ता जी ने बना दिया आपके चैनल पे, एक झूठ है, इनकी एक झूठता के बारे में भाई चुनाव लड़ेंगे। अब रुकिए प्रवीण भाई, देखिए उनसे पूछा है मैंने, अब देखिए मैंने उनसे पूछा है, सारे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं ये कह रहे ना सारे सारे प्लेटफॉर्म सारे एकजुट है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेरे आप पार्टी के साथी कहते थे अरविंद केजरीवाल
हरियाणा में आ रहे हैं। तो ये बात सुरेश गुप्ता जी से पूछना भाई, एक जो है सुरेश गुप्ता बताइए इस बारे में, अरविंद केजरीवाल जी बताइए इस बारे में, उनसे पूछिए भाई एक बार सवाल। यहां जब आप पार्टी की जो बात आती है, बोलने दिए बरंगराज जी को, आप पार्टी की जो बात आती है वो लंदन से नहीं आ रहा, अरविंद करवी यहाँ का ही है, और यहाँ तक कि आप पार्टी का तो हरियाणा में कोई सोता ही नहीं, 12 लाख मेंबर बना दिए, आप कह रहे सोता नहीं है, सारे बोलोगे तो सर पब्लिक एकदम सजा दिया आप लोगों ने भाई, सब कागजों की दुकानें हैं, ये प्रवेश छेड़ देते हैं सबको। आज हरियाणा के अंदर बजरंग जी आप इतने परेशान है, हरियाणा की जनता समझ रही है भाई, आपकी परेशानी समझ में आ रही है, आपकी दुकान बंद, शटर गिर चुका है आपका, दो हजार चलिए रुके 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 अगर विजेंद्र जी के पास जाओ तो रुक जाइए, रुकिए बजरंग जी आप रुकिए, प्रवीण जी आप भी रुके, विजेंद्र विजेंद्र जी एक बात बताइए, आप लोग अक्सर ये कहते थे कि कांग्रेस जो है उसने विपक्षी भूमिका नहीं है भाई, दूसरी पार्टी अब जो खबरें आ रही हैं कि हाई कमांड ने कहा है कि मतभेद बुलाकर सबको एक मंच पे आना होगा, कांग्रेस के इस एफर्ट को आप कैसे देखते हो और क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? ये स्थिति है, देखिए भाई जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं ये आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं और वास्तव में ऐसा लगता है कि ये उनकी दुकान मामला है बहुत दूर तक, आपको इस बात का ये कहते हैं मेरी बहुत एनर्जी लगवाती सर आज, ना आपकी बात जनता सुन पाए और ना हमारी बुराई जनता सुन पाए और हो हल्ले में और मेरी एनर्जी बहुत लग जाती है, हाँ ये बहुत एक स्ट्रेटेजी है इनकी के हो हल्ला मचा दो ताकि जनता बात सुन रही ना पाए, और हम अपनी बात इत्मीनान से रखते हैं, जनता सुनती भी है और हम जवाब भी देते हैं। अब आपके प्रश्न की बात जहां तक है वरुण जी, ये प्रयास बहुत दिनों से चल रहा है, जब फूलचंद मुलाना जी अध्यक्ष हुआ करते थे मेरे ख्याल से वो लास्ट अध्यक्ष थे फूलचंद मुलाना जी कांग्रेस के, जिन्होंने अपना संगठन खड़ा करने का काम किया था, तब से लेकर के आज तक ये अपना संगठन नहीं बना पाए, और 4 तारीख की जो मीटिंग है, मैं आज जो है बजरंग दास जी आपको कुछ हो जाएगा, आप गुस्सा कर लेते हो, प्रदेश का संगठन कंप्लीट नहीं है क्या, हमारा प्रदेश का संगठन कंप्लीट नहीं हुआ जी, आप संगठन की बात कर रहे हैं, अध्यक्षों की लड़ाई कर चुके हैं, हमारा मेयर लाठी पे मार रहे हैं, हमारे संगठन ढूंढ रहे हैं, इतने सेल है एसपी सेल है, देखिए तो आप रखा था सारा एक एक करके भाई एक एक करके आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बता दीजिए, मैं इन करोगे कब का मुझे इनके साथ नहीं बोलूंगा, एक बार रुकिए तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, रुकिए भाई विजेंद्र जी को बोलने दीजिए ना, बजरंगदास जी आप काउंटर कर लेना भाई, सरकार में संभाल लेगा ये, तो रुकता नहीं है मैं, बजेंद्र भाई आप लोग बताओ क्या मिलने के बजरंग जी, तो बजरंग जी काबू नहीं आते भाई, मैं मौका दूंगा ना सर, कंप्लीट तो होने दीजिए, दो आदमी जिला प्रधान हम समझ रहे हैं, पानी पी लीजिए भाई, रुकिए बीपी बढ़ जाएगा, रुकिए रुकिए एक मिनट, विजेंद्र जी बोलिए, विजेंद्र जी बोलिए, वरुण जी ऐसा है दिक्कत हो रही है, प्रवीण अत्रे तो इनका मुकाबला कर लेंगे क्योंकि ये सरकार का आदमी है, अगर बजरंग दास को कुछ हो गया तो ये तो संभाल लेंगे, मैं कैसे संभालूंगा, नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, बड़ा अच्छे प्रवक्ता देगा रेडू जी, इसलिए प्रवक्ता बहुत अच्छे, लेकिन मैं नहीं लड़ना चाहता, देखिए ऐसा है बजरंग भाई, ये आपका कसूर नहीं है, आप अपना पक्ष मजबूती से रखते हो, बहुत मजबूती से रखते हो, हमसे भी मजबूती से रखते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, तो आपके नेताओं की करतूतें हैं, आप कहां तक सुधारोगे, कहां तक उन गलतियों को दबाओगे, वो तो जनता के सामने आएगी, देखिए आपको तो हम साधुवाद देते हैं, आप इतनी मजबूती से बात रखते हो, लेकिन नेताओं को कैसे सुधारोगे, वो तो चुप होनी है, हो करके रहेंगे प्रवीण भाई, मिले नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग जी देखिए ये बात तो रेडू जी ने सही कही है, झूठ बोलते हैं, जनता नरेश भाई पर बैठे,
नरेश भाई ये तो कांग्रेस पार्टी बजरंग दल जी कह रहे हैं कि उनके आने से हो क्या जाएगा हरियाणा में, सुनाई नहीं दे रहा सर, सुनाई नहीं दे रहा बजरंग भाई थोड़ा शांति से काम कीजिए, आपका बीपी बहुत बढ़ गया है शायद, आपकी बात में गोली भिजवा दूंगा आपको, थोड़ी सी गोली लेके बीपी बढ़ जाता है आपका। तो पहली बात तो आपने आपके माध्यम से खुद ही पता चल गया कि ये पहले राजनीति जो है ना कांग्रेस की राजनीति एक कमरे में बैठ के चल रही थी माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी के घर से। तो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी के घर से आप जाके जब तो इन्होंने सोचा कि सबको एक मंच पे लाके, पहले कार्यालय को भूल गए थे चंडीगढ़ के अंदर कि वो कार्यालय का नाम क्या है उनका पता भी नहीं। कार्यालय में मीटिंग हो रही है भाई, हाँ तो इस बार कार्यालय में मीटिंग इसलिए हो रही है ना कि उसमें भी आपको पता चलेगा कि कितने लोग आते हैं और वहां का एड्रेस पता कैसे भूल जाते हैं, तो एड्रेस भी शायद उन लोगों को याद नहीं रहेगा। मैं बजरंग दास से कहता हूँ भाई पहले उनको एड्रेस भिजवा दीजिए कि आपके कार्यालय कहाँ है, जो जो नए आपने बता रहे थे ना कि हमने नए मेंबर जोड़े हैं जो नए नेता आए हैं उनके लिए एड्रेस लिस्ट भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो वो बेचारे भटक जाएंगे और आपकी मीटिंग में पहुंच नहीं पाएंगे, और जब पहुंचेंगे नहीं तो फिर पता चलेगा कि फिर आप बोलोगे कि यार हमारे वो तो आए नहीं नेता, वो शायद किसी और दफ्तर में ना पहुंच जाए, फिर आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी अब चंडीगढ़ में खुल गया है वहां भी पहुंच जाएंगे आपके नेता और हम स्वागत करेंगे उनका। चलिए ठीक है जल्दी से बीजेपी के लिए पहले बता दें पहले तो अपने नेतृत्व को बचाइए, शराब घोटाले में केजरीवाल जी की भी तैयारी है, पहले उनको बचाइए, चुनाव की बाद में सोचिएगा, पहले उनको बचा लीजिए। जी वरुण जी, प्रवीण अत्रे जी, मेरा सवाल यह था, बैठक कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गई है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, संकेत तो मिल रहे हैं? नहीं नहीं देखिए कांग्रेस मजबूत आपके सामने, सुरेश गुप्ता जी आपके चैनल पे बता चुके हैं कांग्रेस की मजबूती के बारे में, रामकिशन जी आपके चैनल पे बता चुके हैं ना कांग्रेस की मजबूती के बारे में, और ये जो बैठक हो रही है वरुण जी ये बैठक केवल इसलिए हो रही है कि कुछ कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, ये प्रयास है कांग्रेस का कि किसी तरह से उनको रोक लिया जाए। शक्ति सिंह गोविल दावा करते हैं एक दर्जन एमएलए हमारे संपर्क में है, वो आपके सामने आ जाएगी खबर, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि कौन कौन से विधायक जा रहे हैं, देखिए विद्रोही जी जानते हैं बजरंग जी पता नहीं जानते नहीं जानते उनको, इनके विधायक पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, उसका विधान भाई के जहाज से सफर कोई नहीं, बहुत से नेता कांग्रेस के और बीजेपी के खुद भी संपर्क में है और बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, छोड़ने वाला नहीं है हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, 3 साल की सरकार भाई प्रवीण जी, 3 सांसद भी कह रहे हैं बजरंग दास जी, मैं जो आपको बताया बजरंग जी जो मर्जी बोले बजरंग जी की बौखलाहट नहीं बता रही, क्या हुड्डा साहब के बयान नहीं बताते, क्या बजरंग जी की जो बौखलाहट आपको इशारा नहीं कर रही है कि कांग्रेस का काम खत्म होने वाला है, ये बता रही है बजरंग जी इतने क्यों बौखलाए हुए हैं, उसकी सच्चाई ये है, बजरंग जी जो इतना चिल्ला रहे हैं सच्चाई ये भी जानते हैं, और अरुण जी एक चीज और है, किस मुंह से जाएंगे कांग्रेसी वोट मांगने, मेरा बड़ा सवाल है, क्या ठीक है सर, जाके वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल आपको लूटा था, हमें फिर वोट दे दीजिए, क्या जनता देगी वोट, किस मुंह से जाएंगे भाई, जनता को जाके बताना तो पड़ेगा कि आपका विजन क्या है। बजरंग दास जी शांत हो जाइए, बजरंग दास जी रुकिए, बजरंग दास जी जितना मर्जी चिल्ला ले, बजरंग जी मेरी हमदर्दी है पूरी आपके साथ क्योंकि आप मेरे मित्र हो, मेरी आप भी अगर कांग्रेस छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजरंग जी, आप क्योंकि मित्र है मेरे, मेरा फिलहाल इतना ही माफी चाहता हूँ, आप चारों मेहमान जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, बैठक यात्राएं दौरे चल रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आता है ये भविष्य बताएगा। यार रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।